अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप उन्हें बताएं क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी उबैदुर रहमान साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं जो ये फवाद चौधरी पे पर्चा दर्ज किया गया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें ये मैं समझता हूँ कि जब डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ थे ना इस मुल्क में, तब भी इंसानी हकूक़ की इस कदर खिलाफवर्जी नहीं की गई। पहले इन्होंने अरशद शरीफ पे ज़मीन तंग की, शरीफ आदमी था, सच बात करता था, उसको जान से हाथ धोना पड़े। उसके बाद इन्होंने दीगर साफियों पे, इमरान रियाज खान पे पर्चे दिए और मज़ीद लोगों को तंग किया, कभी एक थाने कभी दूसरे थाने। फिर इन्होंने आज़म स्वाती साहब को बंद किया जेल में, उनके साथ इंतहाई गैर अखलाकी और गैर इंसानी सलूक किया गया। अब फवाद चौधरी ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, या तो आप अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, इदारों की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो बंदा नैब के साथ प्ली बार्गेन करके आएगा वो किसी सूरत अवामी अहदे पर नहीं रह सकता। तो अगर आपने ऐसे बंदे को लगा दिया और उन्होंने कह दिया कि आप मुंशी बन गए हैं, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं कह दी ना? तनकीद की है, बर्दाश्त करो, या गलत काम ना करो या सच बर्दाश्त करो। तो उनके ऊपर पर्चा दे के उनको अंदर कर दिया, इंशाल्लाह ताला वो रिहा भी होंगे और हक और सच की फतह होगी। हम लोग खान के लिए आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं, पाकिस्तान को बचाने आए हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान बचाना है, इन लुटेरे से बचाना है। कल वो जो मरियम बीबी आ रही है ना, और उन्होंने जो ये गेम किए है कि इमरान खान को पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, इमरान खान को हाथ तो लगा के देखें। जो ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया हुआ, साथ में जो दहशतगर्दी का पर्चा भी दर्ज किया गया है। देखे जी, उसने मुंशी का है तो दहशतगर्द बन गया। जब माडल टाउन में इन्होंने हाथों पे हमला करके बच्चे पे, हाँ बच्चे के पेट में माँ के बच्चा था, गोलियाँ मारी थी सनाउल्ला ने, उस मूछ वाले बांदरी को अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? उन जालमों ने उसका बदला क्यों नहीं लिया? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? ये सिर्फ उसी को पकड़ते हैं जो इमरान हाकम के साथ है, सच्चा है, लीडर है। और हम लोग तो खान को इसलिए पसंद करते हैं कि वो इस्लाम और रसूल को मानने वाला शख्स है, लेकिन ये लोग मन सलवे खाने वाले हैं। 11 जमातें रल जाए, 12 मरल जाए, सबसे बड़ा तकवा अल्लाह है, उसके रसूल का है, और वो खान उसको मानता भी है और खान की हिफाजत भी वही करता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसीलिए उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा और हम खान के साथ हैं मरते दम तक। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम मुझे बताइए, जो उनसा ये पर्चा हुआ है फवाद चौधरी पर दहशतगर्दी का, क्या इन्होंने ठीक किया हुकूमत ने? देखिए इन्होंने कभी ठीक किया, हाँ साहब को गोलियाँ लगी, FIR नहीं हुई। फिर हमारा भाई जो है मीडिया वाला, जो अरशद शरीफ जो है, उनके साथ क्या हुआ? ये उन्होंने अच्छा किया है कोई? ये कब अच्छा करते हैं मुझे बताएं? इनके तो हथकंडे ही होंगे, लेकिन ये जो मर्ज़ी कर लें ना, तो हमारे हौसलों को पस्त कर सकते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, और ये जो भी करना चाहते हैं ये कर लें जी। आप यहाँ पे कब तक मौजूद रहेंगे? जब तक इमरान खान साहब कहेंगे चले जाएँगे जी? देखिए जी, जो क़्यादत कहेगी हमारी, जो खान साहब का हुक्म होगा हम उसे ट्राई करेंगे। और क्या हुकूमत को क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इलेक्शन करवाओ और मुल्क बचाओ, कौम हमारे साथ खड़ी है, और ये दो नंबरियाँ छोड़ दो और हमारी पाकिस्तान की जान भी छोड़ दो जी। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद है गुलाम यासिर साहब, आइए इनसे बात करते हैं और इनका जोश और जज्बा देखते हैं कि इमरान खान साहब की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। आइए करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप में इतना जोश और जज्बा कैसे आता है जी? ये खान के नाम से जोश और जज्बा, अल्लाह की मेहरबानी, इमरान खान सुनते हैं ना तो दिल में एक हलचल सी होना शुरू हो जाती है। किसी लड़की को देखे हलचल नहीं होती है, बस इमरान खान को देखे होती है। ये वाहद उम्मत मुस्लिमा का गयूर लीडर है, जिसने कुफार की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा है कि अगर तुम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो तो उम्मत मुस्लिमा तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगी। उसके इस लफ्ज़ के लिए जब इमरान खान का नाम आता ना, हमारे दिलों में हलचले शुरू। कब से यहाँ पर मौजूद हैं आप जी? मुझे आज सातवां दिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सातवें दिन से आपका एक दफ़ा भी है नहीं कि बस अब मैं छोड़ दूँ, मैं घर चला जाऊँ, क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, दिल में कभी आता है मलाल? देखें जी, हमारा एज ए फर्द है, जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी पाकिस्तान की कौम की रहनुमाई की है। अब हम पर ये फ़र्ज़ लाजम है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर बार है, हमारे कारोबार है। हम कहते हैं कि अपना तन मन धन सब कुछ खान के जूतियों से निछावर करने के लिए तैयार है। जी सर, आप ये बताएं, ये आपने बैनर क्या सोच के लिखा है? ये मेरे ख्याल है, और जिसके लिए लिखा हुआ है उसी के लिए लिखा हुआ है, खान साहब के लिखा हुआ है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज,
जहाँ पुरसोज बनेगा यहीं धरती का मीरे कारवां इमरान खान। उम्मीद शहर जो है वो पाकिस्तान की, वो इमरान खान है। तो आप उन्हें बताया हुकूमत को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? हुकूमत है कहाँ पे? वो हुकूमत पहले दिखा देते, हुकूमत है ही नहीं पाकिस्तान में। हुकूमत का नाम कभी नज़र आया आपको 75 साल में? जो भी होता है ऊपर से होता है, जो भी वो चाहते हैं वही हो रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान में अगर हो तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तरक्की ना कर जाए, कहीं पाकिस्तान का वकार ना हो। कायदे आज़म और पाकिस्तान अलामा इकबाल का पाकिस्तान आपको नज़र ना आए अगर हुकूमत हो तो। हुकूमत है नहीं है यहाँ पे, तो वो ना क्या नाम है उसे कहते हैं, वो एक गुंडा राज कह लें या बदमाशी कह लें या फिरौनियत, फिरौनियत यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर जो है आवाम की हुकूमत नज़र नहीं आती।